then 6.31 give example of गिव situation ऑफ which सिचुएशन इन विच एन अप्लाइड फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये भी इजी क्वेश्चन है अभी आपने क्वेश्चन किया था जब एक व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहा था तो उसके फुट पे जब नॉर्मल रिएक्शन स्टेप के द्वारा लग रहा था उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है ये। ही कि फोर्स अप्लाई हो रहा है पर उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है और अच्छे से बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है वर्क डन नहीं हो रहा है ठीक तो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके अलावा आपकी बुक में जिस तरह से उसको सॉल्व करा है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सेंट्रिपिटल फोर्स का वो भी ठीक है यहाँ पे इन्होंने एक पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करवाया तो इसमें क्या हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये मान लीजिए आप पार्टिकल की पोजीशन है तो इस पर सेंट्रिपिटल फोर्स इस तरफ लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर लेकिन हर पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है टेंजेंशियल टू दिस फोर्स अगर आप एकदम से फील्ड हटा देंगे तो इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस यहां पे अगर आप मानेंगे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ परपेंडिकुलर टू दिस तो उसमें वकदान क्या हो रहा है एफ डी कॉस नाइनटी मतलब कि जीरो ठीक वो स्टेप वाला क्वेश्चन उसमें भी हो रहा था नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था वकदान कहीं और था एन डी कॉस नाइनटी डिग्री अगेन जीरो एक और क्वेश्चन आपने किया था रिएक्शन फोर्स वाइल्ड ट्रेवलिंग बाय अ कार विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट तो उसमें भी क्या हो रहा था एनडी कॉस नाइनटी ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी डी कॉस नाइनटी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक और एग्जाम्पल हम लें पेंडुलम का तो ये पेंडुलम आपका इधर है इस पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हो रहा है ये इधर गया फिर इधर गया हर बार आप देखिए परपेंडिकुलर ही आ रहा है ठीक तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा मैंने ये एग्जाम्पल लिया है आपकी बुक में जो उन्होंने लिया था यह भी ठीक है फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है डिस्प्लेसमेंट का इसके टेंजेंशियल है तो उसमें लिख देता हूं मैं यूसीएम एम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स डिस्प्लेसमेंट ठीक तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू द डिसमेंट कॉस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू जीरो दैट योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये जीरो है मतलब स्पीड इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी है तो हम स्पीड को देखेंगे जो भी कॉन्स्टेंट है तो यह इसका एंसर है देन सिक्स पॉइंट थ्री टू टू बॉडीज ऑफ अन इक्वल मास आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी द टू बॉडीज आर ब्रॉड टू रेस्ट बाई अप्लाइंग रिटर्डिंग फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हाउ वुड द डिस्टेंस मूव बाय देम बिफोर कमिंग टू रेस्ट कंपेयर वो तो, तो, तो इक्वली होगा देख कर ही समझ में आ रहा है देखिए आपके पास दो बॉडी है बॉडी ए बॉडी बी अब ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ये डायरेक्शन आप मान लीजिए इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पहले वाले की हाफ एम वी ए स्क्वायर दूसरे वाले की हाफ एम वी बी स्क्वायर अचानक से ये रेस्ट पे आए क्योंकि पीछे की तरफ ऑब्वियसली एक रिटार्डिंग फोर्स एफ आर दोनों पे लगा इधर भी एफ आर इधर भी एफ आर क्योंकि इन्होंने बोल रखा है सेम मैग्नीट्यूड अब जब ऐसा हुआ तो इन दोनों ने डिस्टेंस कितना मूव करा रेस्ट पे आने से पहले तो सेम ही होगा ना देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी हाफ एम वी ए स्क्वायर फाइनली कितनी हुई ज़ीरो क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई ना वी एफ ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए ज़ीरो हो गई तो हाफ एम वी एफ ए का स्क्वायर मतलब कि ज़ीरो तो ए वाले के लिए डेल के ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ज़ीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन एफ आर पीछे की तरफ लग रहा है मान लीजिए डिस्टेंस ही चला एक्स ए कॉज वन एट्टी डिग्री क्योंकि चल ये इस साइड रहा है फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो वन एट्टी डिग्री आ रहा है ठीक तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस एफ आर इंटू एक्स ए इज इक्वस टू माइनस हाफ एम वी ए स्क्वा उसी तरह से इस बी वाले के लिए भी होगा इसको यहां कर देता हूं मैं सॉल्व बट दोनों ही काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर यह आपको गिवन है तो ये इक्वेशन वन थी आपकी ये इक्वेशन टू थी देख लीजिए इतमान से आप ये दोनों वैल्यूज एफ आर इंटू एक्स ए और एफ आर इंटू एक्स बी माइनस का ये इक्वल हो जाएगी और माइनस तो क्या प्लस ही होना है ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया इधर तो फ्रॉम वन एंड टू एफ आर इंटू एक्स ए इज इक्वल टू एफ आर इंटू एक्स बी ये दोनों कैंसिल हो गए दिस इंप्लाइज एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी सेम डिस्टेंस ये मूव करे बराबर से डिस्प्लेस हुए बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये इसका आंसर होगा हाँ यहां पे आप इसको डेल के ई कर लीजिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या सिंपली डेल के मैंने बोला डेल के था लिख डेल ही दिया था देन 6.33 अ बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज रिल्ड इंटू अ वर्टिकल सर्कल एज शोन इन फिगर सिक्स पॉइंट इलेवन वॉट विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इफ द स्प्रिंग इज कटेट पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट एक्स ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ईजी है मजाक है मुझे बोलना चाहिए अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर है तो नहीं तो ये भी डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया यू सी एम वाला आपको मैंने क्या बताया था इसमें फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है और हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर यानी दीजिए आप डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स से परपेंडिकुलर होता है और यह पढ़ भी चुके हैं फोर्स इधर वेलोसिटी वेक्टर इधर या डिस्प्लेसमेंट इधर ये परपेंडिकुलर रहता है तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को काट देंगे इस बी पॉइंट पे, तो क्योंकि ये ऐसा जा रहा था क्लॉकवाइज, एकदम आपने यहाँ पे काटा है तो उसका वेक्टर इस तरफ है तो ये इस तरफ ही गिरेगा डाउनवर्ड्स ठीक तो उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बी का वर्टिकली डाउनवर्ड इन्होंने रीज़न नहीं पूछा सिर्फ डायरेक्शन पूछा है तो अब इतना लिखेंगे तो भी चलेगा उसके बाद सी सी का कैसा होगा आप ऐसा काटेंगे तो इस तरफ परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट और फिर एक्स अब एक्स आपका ऐसा है तो इसमें ऐसा होगा तो इसमें आप क्या लिखेंगे टेंजन एट द पॉइंट एक्स सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था और अगर ये रीज़न पूछते हैं तो आप लिख क्या जाइएगा कि ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है क्योंकि जो फोर्स है सेंटीमीटर फोर्स है वो सेंटर में एट कर रहा है जिसके परपेंडिकुलर इसका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग इट्स लोकस या कोई सा ही पॉइंट ले लीजिए उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इस परपेंडिकुलर टू फोर्स और टेंजेंट क्या होती है सर्कल में वो लाइन जो कि रेडियस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वन होता है इतना आप लिखे आएंगे एक्सप्लेनेशन में मोर देन सफिशियंट और ये आप जानते भी हैं पर यहाँ इन्होंने डायरेक्शन में पूछा था तो हमने ये लिख दिया है बी का वर्टिकल डाउनवर्ड सी का ओरिजिनटली टूवर्ड्स राइट और एक्स का अलॉन्ग द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स ये तीनों इसके आंसर्स होंगे